आपने कई रेस्टोरेंट देखे होंगे जो अपने खाने के स्वाद के लिए मशहूर होंगे, तो कुछ अपनी सजावट या वातावरण को लेकर आपको खूब पसंद आए होंगे। पर आपने कभी ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहां पर बंदर आपको वेटर की सर्विस देते हुए नजर आए? नहीं देखा होगा, तो आइए जानते हैं इस खास रेस्टोरेंट के बारे में जो अपने खास मंकी वेटरों के लिए खूब मशहूर हो रहा है। ये रेस्टोरेंट जापान की राजधानी टोक्यो स्थित काबुकी नामक जगह पर है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस रेस्तरां में आने वाले ग्राहकों को उनका पसंदीदा खाना परोसने से लेकर उनकी आवभगत करने तक का काम केवल बंदर ही करते हैं। ये बंदर बाकायदा वेटर की ड्रेस में आपको मिलेंगे। जी हाँ, ये सच के बंदर है। कहीं आपको लगे कि बंदर की पोशाक में इंसान है तो आप गलत है। इन बंदरों की वजह से ये रेस्टोरेंट खूब मशहूर हो रहा है और आपको बता दें कि लोग यहाँ पर आकर अनोखा अनुभव लेने के लिए घंटों अपनी बारी आने का इंतजार भी करते हैं ताकि उन्हें टेबल खाली मिल सके। खास बात यह है कि ये बंदर कस्टमर को इम्प्रेस कराने के लिए इंसानी मास्क भी पहनने लगे हैं। ये बंदर शिफ्ट्स में काम करते हैं। इस रेस्टोरेंट में बंदर ये चेन और फुकू चेन 2008 सेकंड वेटर का काम कर रहे हैं। इनमें से ये चेन बड़ा है। कोरू ओत्सुका इस अनोखे होटल के मालिक है और वो बताते हैं कि जापान में जानवरों को लेकर नियम काफी सख्त है, इसलिए उन्होंने सरकार से परमिशन लेकर ही ये काम किया है और साथ ही उनके बंदर सिर्फ 2 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। पहले इस रेस्टोरेंट में केवल 2 ही बंदर थे, पर अब यहाँ पर 3 बंदरों को और नियुक्त किया गया है। इन बंदरों को खास तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, जिसे इन बंदरों ने बखूबी समझा है।